अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां दो हफ्ते पहले कारोबारी के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच व बेहड़ थाना पुलिस ने एक चोर को धर दबोचा है। वहीं पकड़े गए चोर से पुलिस ने कारोबारी के घर से चोरी की राइफल, जेवर और नकदी बरामद कर ली है, जबकि उसका एक अन्य साथी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को यकीन है कि पूछताछ करने पर पकड़े गए चोर से शहर में हुई अन्य चोरी के बारे में भी कई खुलासे हो सकते हैं। ग्वालियर के बेहड़ थाना प्रभारी दिलीप समाधिया ने बताया कि 16 दिसंबर 2022 को ग्राम रन गवा में रहने वाले कारोबारी मुन्ना लाल गुप्ता के सूने घर के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और घर में रखे सोने चांदी के जेवर नकदी के साथ ही लाइसेंसी राइफल चोरी कर ले गए थे। मामला का पता चलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें चोरों की तलाश में लगी तो पता चला कि घटना की रात मुन्ना लाल के घर के आसपास मौ निवासी सोनू गुर्जर दिखाई दिया था और वह कल्ली मुसलमान के घर आया हुआ था। इसका पता चलते ही पुलिस ने कल्ली मुसलमान की घेराबंदी की और उसे दबोच लिया। सोनू गुर्जर की तलाश में क्राइम ब्रांच व बेहड़ थाना पुलिस ने मौ में दबिश दी, लेकिन वह अपने घर से फरार मिला है और पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने आरोपी कल्ली को पकड़ कर पूछताछ की तो पहले तो वह टहलाता रहा। जब पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने सख्ती से पूछताछ की तो कुछ ही मिनट में कल्ली ने वारदात करना स्वीकार किया और सोनू के साथ चोरी करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद चोरी किए गए माल से कुछ सोने चांदी जेवर 10,370 रुपए नगद और राइफल जब्त कर ली है, जबकि शेष माल अन्य आरोपी सोनू पर होना बताया है। पकड़े गए चोर ने बताया कि उसके साथी पर धारा 307 सहित अन्य मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। बेहड़ थाने के एडिशनल SP राजेश दंडौतिया ने बताया कि बेहड़ के ग्राम रन गवा में रहने वाले कारोबारी के घर के ताले चटका कर चोर नकदी सोने चांदी जेवर और लाइसेंसी राइफल चोरी कर ले गए थे। मुखबिर की सूचना मिलने पर एक आरोपी को धर दबोचा है। उससे कारोबार के घर से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, नकदी और राइफल बरामद कर ली है। उसका अन्य साथी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है, जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। पेड़ के अंतर्गत रंगमा गांव है, जिसमें कि 15-16 की दरमियान रात को एक घटना हुई थी, चोरी की घटना हुई थी। परिवार उस समय नहीं था और परिवार अपने इलाज के लिए गया हुआ था हॉस्पिटल, तब दो अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी कर ली थी। क्राइम ब्रांच और जो SO बेहड है, इनको एक सूचना मिली कि बेहड ये जो बड़ा गांव के पास खुररी के पास उसकी लोकेशन है। तत्काल इनके द्वारा घेराबंदी करके उस आरोपी को पकड़ा गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा चोरी करना कबूल कर दिया गया। उसने ये भी बताया कि उसने चोरी अकेले नहीं बल्कि एक व्यक्ति जो मुंह से वांटेड है 5,000 का इनामी 307 में, उसके साथ मिलकर की है। वो अभी फरार है। फिलहाल एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। उसने एक 12 बोर की बंदूक और सोने चांदी के जेवरात और 10,370 रुपये उससे रिकवर हुए हैं।